तो टॉपिक का नाम है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। देखो कर्व्ड लिक्विड सरफेस कहां से आया, कर्व्ड लिक्विड सरफेस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप अगर कोई भी लिक्विड ले, किसी ट्यूब में ले, सपोज ये ट्यूब है, तो इसमें जब लिक्विड फिल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ लिक्विड, कुछ लिक्विड आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, ऐसे फ्लैट दिखेगा, इसकी शेप बिल्कुल फ्लैट दिखेगी टॉप पे। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे दिखते हैं, ये देखो ऐसे कर्व्ड दिखेंगे, नीचे को कर्व दिखते हैं, और कुछ लिक्विड जो होते हैं वो आपको ऐसे दिखेंगे, ये देखो मरकरी जैसे लिक्विड आपको ऐसे दिखेंगे, जो पतली ट्यूब है उसमें इफेक्ट ज्यादा दिखता है ये। तो ये जो टॉपिक है वो आपको बता रहा है कि किस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होता है और कहां पर प्रेशर कम होता है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं इसमें। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अगर कोई पॉइंट इमीडिएट पॉइंट इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर है और एक पॉइंट इमीडिएट इस लिक्विड की सरफेस के नीचे है, बहुत नीचे ही लेना, नीचे लोगे एचओजी आ जाएगा, फिर इमीडिएट नीचे है, और अगर ये फ्लैट है तो अगर यहां पर प्रेशर पी एटमोस्फेरिक है तो इमीडिएट नीचे प्रेशर भी क्या रहेगा, पी एटमोस्फेरिक। यानी कि अगर सरफेस फ्लैट है तो ऊपर का पॉइंट का प्रेशर और नीचे के पॉइंट का प्रेशर सेम रहता है, ये याद रखना। दूसरा, अगर आपका सरफेस ऐसा है, कर्व्ड है, नीचे को कर्व्ड है और यहां पर प्रेशर पी एटमोस्फेयर है, तो इमीडिएट नीचे जो प्रेशर होगा ना वो पी एटमोस्फेयर से हमेशा क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, तभी इसका सरफेस ऐसा है। तो याद रखना, अगर सरफेस इस टाइप से है तो ऊपर का प्रेशर पी एटमोस्फेयर है तो नीचे का प्रेशर पी एटमोस्फेयर से कम पाया जाएगा। और लास्ट, अगर यहां पर प्रेशर पी एटमोस्फेरिक है और आपका ये शेप ऊपर की तरफ है तो यहां का जो प्रेशर है वो पी एटमोस्फेयर से क्या होगा, ज्यादा ही पाया जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सपोज ये एक फ्लैट सरफेस है, समझने के लिए, हाँ ये फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं इस एग्जांपल से, फ्लैट सरफेस है तो इसकी शेप को मेनिस्कस बोलते हैं, ये इसका मेनिस्कस फ्लैट है, मेनिस्कस कन्वेक्स है, मेनिस्कस कनकेव है, ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसके मेनिस्कस की शेप है, जो टॉप की सरफेस की शेप को मेनिस्कस बोलते हैं। तो अगर मेनिस्कस आपका ऐसा है, फ्लैट है, तो याद रखना कि यहां का और यहां का प्रेशर सेम है। अगर आपका मेनिस्कस ऐसा है, ये देखो ऐसा है, कर्व्ड है, तो पक्की बात है यहां पे प्रेशर ज्यादा लगा होगा। तो ये ऐसा है तो यहां पे ज्यादा, तो यहां पर कितना है पी एटमोस्फेरिक, तो यहां पर कम लगा होगा, पी एटमोस्फेरिक से कम, कितना कम आने वाला टाइम में बताऊंगा अभी। और अगर आपका मेनिस्कस ऐसा है, फ्लैट था ऐसा, तो यहां का प्रेशर ज्यादा है और यहां का कम। पॉइंट नंबर वन ये याद रहेगा कि सरफेस देख के कहां प्रेशर ज्यादा है कहां कम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसी शेप पतली ट्यूब में दिखती है, बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब चाहिए होती है उसके लिए, मैं दिखाऊंगा ऐसी होती है कि उसका रीजन भी बताऊंगा, ये मेनिस्कस चेंज के होते हैं, ये शेप एक्वायर क्यों करते हैं इस टाइप से, फ्लैट क्यों नहीं होते। तो पहला रूल क्लियर है। दूसरा रूल, अगर कोई इस टॉपिक में ये पूछे कि मुझे सरफेस टेंशन की फोर्सेस दिखाओ कहां बनेंगी, तो आप एक पॉइंट लें, सरफेस टेंशन की फोर्स हमेशा टेंजेंशियल बनती है, मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आपकी सरफेस फ्लैट है तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नेट फोर्स यहां पर जीरो आएगी, इधर और इधर की फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप सरफेस यहां लेंगे, पॉइंट यहां लेंगे, किसी भी पार्टिकल को यहां लेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सरफेस टेंशन की फोर्स नीचे की तरफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगी, तो रिजल्टेंट फोर्स सरफेस टेंशन की कहां आएगी, डाउनवर्ड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डाउनवर्ड। और ऐसी इसके अंदर टेंजेंट कहां चलेगा, ऊपर, तो नेट फोर्स कहां आएगी, ऊपर। ये मैं बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी दो मिनट में। तो क्या ये रूल्स क्लियर हैं, स्पेशली प्रेशर के, प्रेशर कहां पर ज्यादा कहां पर कम, ये आपको इन शेप के अंदर, मेनिस्कस के अंदर पता होना चाहिए।